बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपको स्प्रेडशीट में फॉर्मूलास को बनाना सिखाया था। आज के लेक्चर में हम आपको स्प्रेडशीट्स में आप फंक्शंस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, फंक्शंस होते क्या हैं? अ फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन। यानी फंक्शन दरअसल पहले से डिफाइन किए हुए फॉर्मूलास होते हैं। आप उन फॉर्मूलास को पूरा लिखने के बजाय सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं और उसी से आप उस फॉर्मूला की पूरी फंक्शनैलिटी को हासिल कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पिछले लेक्चर में हमने फोर वैल्यूज को ऐड करने के लिए एक फॉर्मूला डिफाइन किया था इस तरीके से, जिसमें हमने फोर सेल्स में पड़ी हुई वैल्यूज को इस तरीके से A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस A4 के जरिए इन तमाम वैल्यूज को ऐड करवाया था। अब फ्रेंड्स, मान ले कि यहाँ तो सिर्फ चार वैल्यूज थी, तो ये फॉर्मूला बनाना भी बहुत आसान था। अब अगर 1000 सेल्स हैं और उन 1000 सेल्स में पड़ी वैल्यूज को आपको ऐड करवाना है, तो अब क्या आप इस फॉर्मूले को 1000 टाइम्स इस तरीके से लिखेंगे? यानी A1 से A1000 सेल्स तक इस फॉर्मूले को लिखेंगे? तो दोस्तों, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होगा और साथ के साथ इसमें वक्त भी काफी लगेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए स्प्रेडशीट्स आपको प्रोवाइड करती हैं फंक्शंस। अब दोस्तों, यही काम आप स्प्रेडशीट्स के अंदर एक सम नामी फंक्शन के अंदर इस तरीके से कर सकते हैं। आप लिखेंगे सम A1, क्योंकि यहाँ पर फोर वैल्यूज थी तो आपने लिख दिया A1 कॉलन A4। अगर 1000 वैल्यूज हैं, 1000 सेल्स हैं, तो आप लिख देंगे A1 कॉलन A1000। तो इस तरीके से दोस्तों, फंक्शंस के जरिए हमें पूरा फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस एक फंक्शन का नाम लिखा और उस फॉर्मूले की फंक्शनैलिटी गेट कर ली। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि फंक्शंस लिखते कैसे हैं। तो फंक्शंस को लिखने के भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले, जिस भी सेल के अंदर आपको उस फंक्शन का रिजल्ट चाहिए, आप उस सेल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप उस सेल में सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे इस तरीके से। इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद आप फंक्शन का नेम लिखेंगे और फंक्शन का नेम लिखने के बाद आप आखिर में राउंड ब्रेसेस के अंदर आर्गुमेंट्स लिखेंगे। और दोस्तों, आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट दरअसल वो वैल्यूज होती हैं जिन पर आप वो फंक्शन अप्लाई करते हैं। और क्योंकि स्प्रेडशीट में हमारी तमाम वैल्यूज सेल्स में पड़ी होती हैं, तो आर्गुमेंट्स में भी हम सेल के एड्रेसेस ही देंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ इन सेल्स में वैल्यूज पड़ी हैं जिनको आपने सम करना है। तो सबसे पहले आप इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे इस तरीके से। इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद आप फंक्शन नेम लिखेंगे विच इज सम, और सम लिखने के बाद आप राउंड ब्रैकेट के अंदर वो तमाम सेल्स के एड्रेसेस देंगे जिनमें वैल्यूज पड़ी हैं जिनको आपको सम करवाना है। और दोस्तों, ये तो जस्ट वैल्यूज को ऐड करने का फंक्शन था, जबकि स्प्रेडशीट में आपको सिंपलेस्ट से लेकर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए भी फंक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्प्रेडशीट आपको किस किस तरह के फंक्शन प्रोवाइड करती है। दोस्तों, स्प्रेडशीट में आपको मैथमेटिकल फंक्शंस मिलेंगे जिसमें आप बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं नंबर्स पर। इसी तरीके से स्टैटिस्टिकल फंक्शंस मिलेंगे जिसमें आप लिस्ट पर, यानी लिस्ट ऑफ वैल्यूज पर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज वगैरह के। इसी तरीके से फाइनेंशियल फंक्शंस भी आपको एमएस एक्सेल यानी हमारा स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जिसमें आप बिजनेस से रिलेटेड कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको टैक्स से रिलेटेड भी फंक्शन मिलेंगे। जैसे अगर आप लेबल पर कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, आप कॉन्केटिनेशन करवाना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट के अंदर किसी अल्फाबेट को रिप्लेस करवाना चाहते हैं, फाइंड करवाना चाहते हैं, तो वो तमाम फंक्शंस भी आपको स्प्रेडशीट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा लॉजिकल, डेट एंड टाइम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आपको स्प्रेडशीट के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए बारी बारी इनकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस की। तो एमएस एक्सेल यानी ये स्प्रेडशीट्स के सॉफ्टवेयर्स आपको कई तरह के मैथमेटिकल फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, उनमें से कुछ फंक्शंस हम आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सम का फंक्शन की बात करते हैं कि अगर आप इन तमाम वैल्यूज को सम करना चाहते हैं किसी फंक्शन के थ्रू, ऐड करवाना चाहते हैं किसी फंक्शन के थ्रू, तो आप सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां पर आपको रिजल्ट चाहिए, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। अब आप लिखेंगे SUM, जो कि उस फंक्शन का नेम। और दोस्तों, SUM लिखने के बाद आपको टॉप पर ही सम का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एक राउंड ब्रैकेट आ जाएगा, जो कि आपसे पूछ रहा है कि आप ये सम का फंक्शंस
किन सेल्स पर अप्लाई करना चाहते हैं, आपके आर्गुमेंट क्या होंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं इन दो सेल्स को सम करवाना चाहती हूँ, तो मैंने ये सेल दिया, इस सेल का एड्रेस दिया कॉमा, और ये सेकंड सेल का एड्रेस दिया, इसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो दोस्तों अब आप देखिएगा कि आपको इन दोनों का सम इस बॉक्स के अंदर इस सेल में नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक या फिर एक से ज्यादा सेल्स को आपस में सम करवा सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको किसी डेसिमल वाली जो नंबर है, किसी डेसिमल नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर होता है 4.4 और अगर हम उसको राउंड करना चाहते हैं तो वो उसकी वैल्यू हो जाती है 4। इसी तरीके से अगर 4.6 होता है तो वो राउंड ऑफ होके 5 बन जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपको यही राउंड ऑफ करवाना है इन फंक्शंस के थ्रू, तो वो आप कैसे करवाएंगे। दोस्तों आप सबसे पहले लिखेंगे इक्वल्स टू, उसके बाद आप राउंड का फंक्शन अप्लाई करेंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने आर यू एन लिखा, आपको सामने जो टॉप मोस्ट वैल्यू है, टॉप मोस्ट फंक्शन नेम है, वो राउंड का आ गया है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब आप देखिए इसके आर्ग्यूमेंट्स नेम, दोस्तों हमेशा फंक्शंस को लिखने के बाद आप उसके आर्ग्यूमेंट्स नेम्स जो यहाँ पर छोटे से बॉक्स में आपको नजर आ रहे होते हैं, इसको जरूर देखा करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर एंड नंबर डिजिट्स, यानी आपको किस नंबर को राउंड करना है और कितने डिजिट्स तक करना है, यानी पॉइंट के बाद उसके कितने डिजिट्स शो होने चाहिए। तो मुझे क्योंकि इस सेल में पड़ी वैल्यू को करना है, तो ये मैंने नंबर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे दिया। अब मुझे देना है कि कितने डिजिट्स तक करना है। दोस्तों यहाँ पर ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, जबकि मुझे यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और जैसे ही मैं ओके करूंगी तो आप देख सकते हैं कि ये अब राउंड ऑफ हो गया है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, राउंड का फंक्शन लिखेंगे, राउंड के फंक्शन पर हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसको 2 डेसिमल पॉइंट्स तक रखना चाहते हैं, यानी डेसिमल के बाद हमें सिर्फ 2 वैल्यूज चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमा के बाद 2 और 2 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आपको डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज नजर आ रही है। दोस्तों इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी वैल्यू को राउंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं किसी भी नंबर का, तो उसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला प्रोवाइड, एक फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है SQRT के नाम से। आप सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद SQRT टाइप करेंगे। उसको टाइप करने से पहले ही आपको ये फंक्शन नजर आ जाएगा, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब जिस भी नंबर को आपने टाइप करना है, जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट चाहिए, आप उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी नजर आ रहा है कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने के एक सेल के एड्रेस को सिलेक्ट किया है जिसमें वैल्यू है 9, यानी मुझे 9 का स्क्वायर रूट चाहिए। इसके बाद मैंने इस ब्रैकेट को क्लोज किया और मैं एंटर करूंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 का स्क्वायर आ गया है। दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको मॉड निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी एमएस एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है। आपने इक्वल्स टू का साइन लगाना है, उसके बाद आप लिखेंगे MOD मॉड। यहाँ पर टॉप पर आपको मॉड का फंक्शन नेम नजर आ रहा है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसके 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, नंबर यानी जिस नंबर को आपने डिवाइड करना है और डिवाइजर यानी किस नंबर से आपको उसको डिवाइड करना है। यहाँ पर मैं 11 को डिवाइड करवाऊंगी कॉमा इस 2 से, तो मैंने इन दोनों का एड्रेस यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी और जैसे ही एंटर करूंगी तो आपके सामने मॉड आ जाएगा, यानी रिमाइंडर आ जाएगा। तो दोस्तों ये तरीकेकार था कि आप किसी भी मैथमेटिकल फंक्शंस को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था तरीकेकार कि किसी भी मैथमेटिकल फंक्शंस को अप्लाई करने का, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एमएस एक्सेल आपको कितने मैथमेटिकल फंक्शंस प्रोवाइड करता है, यानी उन फंक्शंस के नेम क्या क्या हैं, तो वो आप इस फॉर्मूला बार के अंदर आपको फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर मैथ एंड ट्रिक के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा। और जब आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हजारों मैथमेटिकल फंक्शंस आपको नजर आ जाएंगे जो कि एमएस एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ से भी फंक्शंस को चूज करके आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थे मैथमेटिकल फंक्शंस। इसके बाद हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। दोस्तों स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो हैं ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज पर अप्लाई किए जाते हैं, यानी जब आपके पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं और उन वैल्यूज में से आप उनका काउंट निकालना चाहते हैं, टोटल करना चाहते हैं, एवरेज मैक्सिमम या मिनिमम निकालना चाहते हैं, तो वो आप इन फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये फंक्शंस आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों आप सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए, उसके बाद आप इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। अब क्योंकि मुझे इन वैल्यूज का एवरेज मालूम करना है तो मैं यहाँ पर एवरेज का फंक्शन लिखूंगी। मैं जैसे ही ए वी ई लिखूंगी आपको यहाँ पर भी एवरेज नजर आ जाएगा लिस्ट के अंदर। दोस्तों मैं इस एवरेज को सिलेक्ट करके इस पर डबल क्लिक करूंगी। अब डबल क्लिक करने के बाद ये मुझसे आर्ग्यूमेंट्स पूछ रहा है, वो सेल्स के एड्रेसेस पूछ रहा है जिनकी वैल्यूज का मुझे एवरेज निकालना है। तो मैं यहाँ पर इन सेल्स को सिलेक्ट करूंगी। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, उसके बाद दोबारा कॉमा लगाया और इसको भी सिलेक्ट करके कॉमा लगा दिया। तो इस तरीके से मैंने तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है जिनका एवरेज मुझे चाहिए। अब मैं एंटर प्रेस करूंगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन तमाम वैल्यूज का एवरेज आपके सामने मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप काउंट करना चाहते हैं कि आपकी वैल्यूज कितनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 1000 नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं तो आप देखना चाहते हैं कि वो कितने नंबर्स हैं, तो आप यहाँ पर वो काउंट अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिए दोस्तों ये जो काउंट का फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल्स टू का साइन, काउंट पर डबल क्लिक किया, टॉप पर मुझे काउंट नजर आया है। अब मैं सेल्स सिलेक्ट करूंगी, मुझे कितने सेल्स का कितने सेल्स पर काउंट चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया कॉमा, और ये मैंने थर्ड सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर तीन वैल्यूज थी, तीन नंबर थे, तो ये आपके सामने 3 आ गया है। अब दोस्तों अगर मैं सेल्स के अंदर इनके साथ कुछ टेक्स्ट भी ऐड, दोस्तों अब मैं फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ। मैं सबसे पहले लिखूंगी इक्वल्स टू, उसके बाद काउंट का फंक्शन नेम लिखूंगी। फंक्शन नेम लिखने के बाद ब्रेसेस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं 5 सेल्स के अंदर पड़ी वैल्यूज को काउंट करवाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर तमाम वैल्यूज के एड्रेसेस यहाँ पर दे दूंगी इस तरीके से तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो दोस्तों अब क्योंकि यहाँ पर मैंने 5 सेल्स को सिलेक्ट किया है और हर सेल के अंदर वैल्यूज पड़ी हैं, लेकिन सिर्फ 3 सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर नंबर्स पड़े हैं, एक में टेक्स्ट पड़ा है और एक जो है वो एम्प्टी सेल है। तो देखते हैं कि क्या ये टेक्स्ट और एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। दोस्तों ये देखिए इसने एम्प्टी सेल और टेक्स्ट को काउंट नहीं किया, विच मीन्स के जो काउंट का फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स में पड़ी वैल्यूज का काउंट निकालता है जिनके अंदर नंबर्स होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आपको एमएस एक्सेल प्रोवाइड करता है वो है मैक्स। दोस्तों मैक्स का ये फंक्शन ये बताता है कि जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज आपके सामने मौजूद है उनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू 9 है, तो देखते हैं कि क्या ये 9 ही रिटर्न करता है। सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लिखूंगी, उसके बाद मैक्स का फंक्शन नेम लिखूंगी, यहाँ आपको टॉप पे नजर भी आ रहा है। डबल क्लिक करने के बाद मैं ये तमाम सेल्स को सिलेक्ट करूंगी कि मुझे इन तमाम वैल्यूज में से, इन तमाम सेल्स में पड़ी वैल्यूज में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है, उसका उसको एज अ रिजल्ट शो करना है। इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इनको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी और एंटर दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके सामने एज अ रिजल्ट शो हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप लिस्ट में मौजूद सबसे मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, सबसे छोटी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए फंक्शन है मिन का। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आप वो सेल्स देंगे जिनमें से आपको वो वैल्यू निकालनी है। ये मैंने उन सेल्स का रेफरेंस दे दिया। दोस्तों आप इस तरीके से भी चूज कर सकते हैं, ये कॉमा डाला आपने, सेल सिलेक्ट किया, अगेन कॉमा एंड सेल सिलेक्ट की। तो इस तरीके से ये मैंने मिनिमम का फंक्शन अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद अब हम एंटर पर क्लिक करेंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि अब आपके सामने जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो आपके सामने आ गई है। तो इस तरीके से आप स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप तमाम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं इस ऑटोसम के अंदर। यानी ये तमाम फंक्शंस आप यहाँ पर लिखकर भी आप कर सकते हैं, इसके अलावा एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम वो आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और आसानी आपको एमएस एक्सेल प्रोवाइड करता है कि आप ये तमाम फंक्शन डायरेक्टली बिना टाइप किए आप सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। इन तमाम नंबर्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप इस ऑटो सम के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एवरेज का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली नजर आ रहा है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि आपके सामने इसका रिजल्ट शो हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप काउंट करवाना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद काउंट नंबर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट आपके सामने आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही मैक्सिमम के लिए भी आपने ये सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद
यहाँ पर मैक्सिमम पर क्लिक किया तो आपके सामने जो मैक्सिमम वैल्यू इन स्लाइड में से है वो आ गई है। तो दोस्तों स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के लिए आपको ऑटोमेटिकली आप अपने टूल बार से भी ये तमाम फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा लिखकर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा फॉर्मूलाज में जाकर ऑटो सम के इस ऑप्शन के थ्रू भी आप ये तमाम फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि साइन, कॉस, टैन वगैरह की वैल्यूज आप किस तरीके से एंगल की वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको एमएस एक्सेल फंक्शंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये एक 30 डिग्री का एंगल है और अब मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप सबसे पहले जिस भी सेल में आपको इसका रिजल्ट चाहिए आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप रेडियन का फंक्शन यहाँ पर फंक्शन नेम लिखेंगे, आपको यहाँ टॉप पर नजर भी आ रहा है। अब आपको जिस भी एंगल को यानी जिसके जो डिग्री में एंगल है उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप उस एंगल को देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस सेल में वो एंगल पड़ा है, मैंने सेल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो ये इस 30 डिग्री की जो रेडियन वैल्यू है ये आपके सामने यहाँ पर शो हो गई है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर साइन 30 निकालना है, कॉस 30 निकालना है और टेन 30 निकालना है, तो वो मैं किस तरीके से निकालूंगी। मैं सबसे पहले इक्वल टू का साइन लिखूंगी, साइन लिखने के बाद मैं साइन का फंक्शन फाइंड करूंगी। तो यहाँ पर आपको टॉप पर ही साइन का फंक्शन नजर आ गया है, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करने के बाद जिस भी एंगल की मुझे साइन की वैल्यू चाहिए मैं उस एंगल को सिलेक्ट करूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं रेडियन भी सिलेक्ट कर सकती हूँ और डिग्री भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं डिग्री सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पर आंसर भी डिग्री में आएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने डिग्री को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने साइन 30 की वैल्यू आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप रेडियन में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही साइन का फंक्शन लिखेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप रेडियन की वैल्यू यहाँ पर दे देंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो आपके सामने ये साइन 30 की वैल्यू इन रेडियंस भी आ गई है। इसी तरीके से कॉस के लिए आप इक्वल टू का साइन लिखेंगे, कॉस का फंक्शन अप्लाई करेंगे और जिस भी एंगल का आपको कॉस का एंगल चाहिए वो आप उस एंगल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और दोस्तों ऐसे ही टेन के लिए आप इक्वल टू का साइन लिखेंगे, टेन का फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है यानी आपको किस वैल्यू का आपको टेंजेंट चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस एंगल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर दबा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चाहिए, कोसेक चाहिए, सेक चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर तमाम फंक्शंस मिल जाएंगे इस फॉर्मूलाज के अंदर, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक के ऑप्शन के अंदर। तो दोस्तों ये थे तमाम फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूलाज जो कि हम आपको अप्लाई करना, कुछ फंक्शंस जो कि हमने आपको अप्लाई करना। दोस्तों वक्त की कमी के बायस हमें अपने लेक्चर का यही इख्तिताम करना होगा। अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आपको टेक्स्ट फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस और डेट एंड टाइम फंक्शंस की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।